तो इसलिए हिंदू धर्म में भगवान के भक्त प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। जानिए कारण। हिंदू धर्म में किसी भी परंपरा और नियम के पीछे एक कारण जरूर होता है। वैसे भी अपना हिंदू धर्म शास्त्रों, पुराणों और वेदों के आधार से ही बना हुआ है। ऐसे में जो भी परंपरा और रिवाज भगवान के प्रति हम करते हैं वे इन्हीं से निकलती है। एक ऐसा ही नियम या कह परंपरा है जो भगवान विष्णु के भक्त अनुसरण करते हैं। शास्त्र अनुसार जो भी वैष्णव यानी कि भगवान विष्णु का भक्त बनना चाहता है उसे प्याज और लहसुन छोड़ना ही पड़ती है। हिंदू पूजा पाठ में इन दोनों चीजों को अशुभ माना जाता है और कभी भी भगवान को इनसे बना खाना भोग नहीं लगाया जाता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है और किस वजह से प्याज और लहसुन बेचारे अपवित्र हैं, आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के माध्यम से। डैश प्याज और लहसुन ना खाए जाने के पीछे सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा यह है कि समुद्र मंथन से निकले अमृत को मोहिनी रूप धर विष्णु भगवान जब देवताओं में बांट रहे थे तभी दो राक्षस राहु और केतु भी वहीं आकर बैठ गए। भगवान ने उन्हें भी देवता समझकर अमृत की बूंदें दे दी, लेकिन तभी उन्हें सूर्य व चंद्रमा ने बताया कि यह दोनों राक्षस हैं। भगवान विष्णु ने तुरंत उन दोनों के सिर धड़ से अलग कर दिए। इस समय तक अमृत उनके गले से नीचे नहीं उतर पाया था और चूंकि उनके शरीरों में अमृत नहीं पहुंचा था वो उसी समय जमीन पर गिरकर नष्ट हो गए। लेकिन राहु और केतु के मुख में अमृत पहुंच चुका था इसलिए दोनों राक्षसों के मुखामय हो गए। यही कारण है कि आज भी राहु और केतु के सिर्फ सिरों को जिंदा माना जाता है। पर भगवान विष्णु द्वारा राहु और केतु के सिर काटे जाने पर उनके कटे सिरों से अमृत की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गईं जिनसे प्याज और लहसुन उपजे। चूंकि यह दोनों सब्जियां अमृत की बूंदों से उपजी हैं इसलिए यह रोगों और रोगाणुओं को नष्ट करने में अमृत समान होती हैं। पर क्योंकि यह राक्षसों के मुख से होकर गिरी है इसलिए इनमें तेज गंध है और ये अपवित्र है जिन्हें कभी भी भगवान के भोग में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहा जाता है कि जो भी प्याज और लहसुन खाता है उनका शरीर राक्षसों के शरीर की भांति मजबूत हो जाता है, लेकिन साथ ही उनकी बुद्धि और सोच विचार राक्षसों की तरह दूषित भी हो जाते हैं।